सो या गाइस, गुड मॉर्निंग, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मौसम देखिए कितना कोहरा आज से स्टार्ट हो गया है। आज से लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ठंडी है और आज ही मुझे घर निकलना है। घर जाके मम्मी को कुछ सरप्राइज़ देना है, उनके लिए कुछ सामान खरीद। मसला ये है कि अब घर जाने से पहले रूम पूरा क्लीन करके सेट करके तब जाना है, वरना बर्तन ये गंदे के ख़राब हो जाएंगे ऐसे। ये मैंने कुछ सैंडविचेस और चाय तैयार कर ली है। मुझे भूख इतनी तेज़ लगी तो मुझे लगा बिना नाश्ता किए तो मैं नहीं जा पाऊँगी। और फिर घर जाने से पहले मैं चली गई प्रयागराज पुस्तक मेला, जो कि 26 दिसंबर तक है। आप भी जा सकते हैं। किताबें ही किताबें हैं, जो से भी समझ में आए ले लो भैया। घर जाते समय मैं छोटी छोटी चीज़ें ऐसे घर ले जाया करती हूँ। जब इस बार पुस्तक मेला लगा हुआ है तो मुझे लगा कुछ क्योंकि ना कुछ अच्छी बुक ली जाए। और मम्मी थोड़ा स्पिरिचुअल चीज़ों से कनेक्टेड रहती हैं, ज़्यादा वो किताबें पढ़ती हैं, उनको इंटरेस्ट आता है, तो मैंने गौर गोपाल दास की एक ये बुक ले ली हिंदी वर्जन में। ये बुक इंग्लिश वर्जन में मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ और आप में से भी बहुत सारे लोग ने पढ़ी होगी, तो कॉमेंट में बताओ किसने किसने ये बुक पढ़ी है। मेले में इस बार मैंने देखा कि मतलब किताबों के साथ साथ और भी बहुत सारी रेंज है जो कि इस बार आई हुई है। फिर मैं किताब ले चुकी थी और सामान भी मेरे पास बहुत ज़्यादा था, तो मुझे लगा कि मुझे अब निकलना चाहिए, तो मैं चली गई। अगर आप यहाँ आना चाह रहे हैं तो मैं आपको एड्रेस बता दूँ, ये एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज है, बस स्टैंड के जस्ट पीछे। और फिर मैंने किताब ले ली, हो गया मेरे जाने का टाइम और हम मुसाफिर बन के चल दिए। वैसे भी जाने वाले कहाँ ही रुकते हैं किसी के लिए। बस स्टैंड से बाहर निकलते ही मैंने देखा ये पीछे वाली रोड पर बहुत सारे कलेक्शन, स्कूल एंड कलेक्शन रोड पे लगे हुए थे और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में थे, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। मतलब मैंने कभी इस तरह नोटिस नहीं किया, तो ये पहली बार है कि मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे भी मतलब वुलन मार्केट लगती है, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। फिर आ गया ये हमारा पत्रिका चौराहा। इलाहाबाद में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना, इंसान वहाँ से जाता है तो रिकॉर्ड ज़रूर करता है। उसमें से एक ये है, ये वाला ब्रिज, यहाँ पे बहुत सारे रील्स, फ़ोटोज़, वीडियोस आपने देखे होंगे, तो ये तो मैंडेटरी था। घर पहुँचने की बात, पैर सेकने वाला, बहुत सर्दी लग रही है। ये लो ठंडी में तुम वाटर बैग ही घुमा दी और क्या करोगे। अब लग रहा है गर्मी में मिलेगा, अभी सीजन तो मिलने से रहा। चलो कोई नहीं, चोट चपेट तो कभी भी लग सकती, गर्मी में ही सेक लेंगे। ऐसे खराब हो जाएगा मम्मी, इसको सीधे करना रहता है। ये तुम सीधा रखी हो। अब हमको लग रहा है तार ही उसका खराब हो जाएगा, गर्म करने का झंझट नहीं। हाँ ऐसे गर्म किया रहा था सीधा। चश्मा कैसे यहाँ आके स्टाइल से। अच्छा तो पहनी हो। पिछली बार हम घर वाला जो ब्लॉग डाले थे वीडियो, उस पर 300 व्यूज गए थे बिना किसी को भेजे, बिना किसी को शेयर किए, और वीडियोस पे इतने नहीं जाते मेरे व्यूज। तुम हाय गाइस कुछ नहीं करी थी। अरे जो दिवाली वाला ब्लॉग डाले थे, देखी थी वाला ब्लॉग, तुम देखी थी? एक घंटे का ब्लॉग कैसे काट काट के केवल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सीन डाले थे, देखी थी कि नहीं? गिफ्ट कैसा लगा तुमको? अब ओवर एक्टिंग मत करो, नेचुरल रहो। ये बताओ गिफ्ट तो दिखाई नहीं अपना, दिखाओ, दिखा दो यार, दिखाओ। अच्छा तुम्हारे क्या लाए, कैसा लगा दिखाओगी? घुसी जा रही, घुसी जा, कहाँ भागी जा रही हो? दिखाओ, अब ये देख लो, दिखाओ गिफ्ट तो दिखाओ जो तुम्हारे लिए ले आए हम। कुछ तो लाए हैं, कौन सा? क्या? हाँ अरे खराब कर दोगे तुम तो, बिना पालक के दिखाओ, 5 ब्लेड वाली दिखाओ, स्केचिंग क्या अलग है, ये तो दिखाओ लोगों को। ब्लेड
और इससे साग मिर्चा भिंडी खूब काटिए। भिंडी नहीं, साग मतलब जो पालक वाले पत्ते वाली चीज होती है वो कटेंगी। मिर्चा भी काट सकते हैं। एक बारी में कट गया। क्या देख रही थी? क्या देख रही हो? सीरम लगाओगे नहीं क्या? सीरम किताब नहीं पढ़ोगी अपनी? ये लोग हैक डालते हैं ताकि इनका लोग देखें चैनल। कुछ कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग डालेंगे जो तुम नहीं करी तभी तो तुम देखोगी इसका क्या होता है रिजल्ट। कभी कभी ना गोभी काट देंगे, कभी कुछ ऐसे कर देंगे, बस उनको दिखाई तो तुम्हें देखें कोई कोई वीडियो आता है अभी। कहां बतियात रहती है, अरे फोन इनका रिकॉर्ड कर। वो कुल काट लेंगे ना, हम ज्यादा थे फोटो ये आई है। एक इस घर में अगर मैं हूँ तो 24 घंटे तुम कैमरे की नजर। शैम्पू क्या करोगे तुम? तो ऐसे ही अच्छी लग रही है, हेयरस्टाइल तुम्हारा चिपका ही रहेगा। क्या मतलब, चाहे शैम्पू करो चाहे बिना शैम्पू के। देखो पूरे दिन में मैंने क्या क्या किया घर पहुंचने के बाद। मैंने एक्चुअली थोड़ा गला गड़बड़ हो गया तो मैंने आपको सारी क्लिप्स दिखाई, और कॉमेंट बताना आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा। और आज का दिन अब ख़त्म होता है, मैं ब्लॉग एंड कर रही हूँ, जा रही हूँ सोने। आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, एंड ब्लॉग को चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही सारे ब्लॉग्स लाइक करना, देखना, शेयर करना।